वाह जी वाह। मेरा दोबारा से केचप, जिसने देखा था उस दिन केचप, वो उनको शायद याद होगा कि मैंने पिछले दिनों केचप बनाया था। और यूट्यूब फैमिली, कल जो है ना, मैं इतना सख्त थक गई थी कि मैं कोई भी व्लॉग और शूट ही नहीं कर सकी। चावल पकड़ा के बांट दिए थे और ये देखिए आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। और यहाँ मेरा बन रहा है दोबारा से केचप, जिसने देखा था उस दिन केचप, वो उनको शायद याद होगा कि मैंने पिछले दिनों केचप बनाया था। और माशाल्लाह इतना लजीज बना था कि बच्चों ने कहा कि मम्मा ये ज़्यादा मज़े का है, अब आपने बाजार से नहीं लाना तो यही बनाना है। तो यहाँ पे जो है ना पानी बॉयल हो रहा है स्पैगेटी के लिए, तो बस इसमें अब ये स्पैगेटी को जल्दी से तोड़ के बीच में डालते हैं। तो चलें ये काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि बड़ी सी जो है ना खानी बहुत मुश्किल है, मैं कैमरा बंद करके तोड़नी पड़ेगी। तो जल्दी तोड़ते हैं इसको। तो जिस स्पैगेटी मैंने तोड़ के जो है ना अंदर डाल दी, और माशाल्लाह से आज 10वां रोज़ा हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पता ही नहीं चला कैसा मतलब रमज़ान गुजर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम हो रहा है अल्लाह का कुछ खास ही, तो बड़े अच्छे रोज़े चल रहे हैं। और इधर ये देखें केचप ज़ोरों ज़ोर पक रही है। किसने मेरी केचप की उज़ेन नहीं देखी थी ना, और किसी को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी। और माशाल्लाह इतनी लजीज थी, मुझे दिखा नहीं सकी। उसके बाद फाइनल जो था, आज इंशाल्लाह ताला लाजमी दिखाऊँगी फाइनल इसकी लुक तो, और बच्चों को खाते भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह इन्होंने तो ऐसे शौक से खाए, 2 दिन में शीशी चट में चट कर दी। और चले इसको काम करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, तो जल्दी जल्दी अपना काम को फिनिश करते हैं। तो यूट्यूब फैमिली ये देखें केचप मेरा गैस जा चुकी है, हम सिलेंडर पे आ चुके हैं, अभी पकौड़े बनने हैं। और ये देखें स्पैगेटी रेडी हो चुकी है, शुक्र है जी। बेटा अल्लाह, डंडा लेके जाऊं? हाँ। किधर गए, कहाँ हैं? वो गया की छत पे। ये देखें जी, जुड़े अदर की छत पे जवाहर भाई चले गए हैं। और जनिश ने मुझे कहा कि आप डंडा लेके जाएं, ताकि उसको लेके आए, अभी थोड़ी देर खेल लेने दो, कोई बात नहीं भाई को। तो ये देखें जी मेरी केचप जो है ना ये रेडी हो रही है, बस अब गैस चली गई है। गैस थोड़ा सा और आ जाती तो केचप बिल्कुल रेडी होती, केचप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और स्पैगेटी के साथ जो है ना केचप तो लाजमी चाहिए होती है, मुझे चाहिए होती है, पता नहीं और किसी को चाहिए होती कि नहीं। चले इसको रेडी करते हैं, फिर पकौड़ों का रखते हैं सामान। The next day. तो यूट्यूब फैमिली ये देखें जर्निश को, और चप्पल क्या आपकी, थोड़ी चप्पल भी दूँ आपकी कोल्हापुरी। ये देखें जी आज जर्निश के स्कूल में है 23 मार्च की सेलिब्रेशन, ट्रेडिशनल सूट पहन के जाना, तो जर्निश बनी है एक अफगानी लड़की। ये देखें इधर अफगानी लड़की, इधर से लाइट भी नहीं सही, ये लाइट तो ऑन करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये जनिश की जूती, हाँ जी कोई और जूती पहन के आने। चलो भाई रेडी हो गए हो, और भाई भी रेडी हो गया है, तो जनिश को जल्दी से पठानियों की लास्ट लुक देते हैं फटाफट से इसको, जरा चलें। तो यूट्यूब फैमिली ये देखें जनिश अब स्कूल से आ चुकी है, दिखाओ तो सही एक जगह खड़ी होके कपड़े दिखाओ। और ये देखिए मेरी अफगानी बच्ची माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी, घूम के दिखा दो सबको, वाह भाई वाह। मामा अपनी शक्ल देख ले, हाँ जी शीशे में जी यूट्यूब फैमिली आप भी जरा शक्ल देख लें, आपको नजर आ रही है, ये देखे जी जनिश को इसमें अपनी शक्ल नजर आई। और क्या किया फिर, मजा आया? बच्चों ने कहा आप अच्छी लगी, टीचर कह रही थी अच्छी लग रही हो, नहीं लो जी टीचर्स ने तो कहा नहीं, कहा था अच्छा चलो शुक्र है, कह रही है। हो पिक्चर लेनी, अभी पिक्चर तो ले लें, सबर तो करो, चलो जी हम पिक्चर ले लें एक। वाह जी वाह, ओह यही उतर गया। चलें जी अब हम उधरना शुरू हो चुके हैं, अब जनिश के कपड़े चेंज करते हैं इससे पहले कि जनिश मजीद कोई तबाही मचाए। और ये देखें इसकी शलवार छोटी होगी थी, और फ्रॉक तो फिर भी ठीक है लंबी, तो हमने इसका ये देखे वो गोल्डन ट्राउजर बना दिया, और वो इतना अच्छा लग रहा है उसके साथ। और ये देखिए मेरी माई पठानी, और यू ला माई पठानी फिर कहो मैं फिर ऐसे चली जाऊँ, मैं कैसे जाऊंगी घर आपको सूट दे जाऊंगी, ये तो हमें ना छोड़ के जाना। अच्छा कहना मैंने घर नहीं जाना अपनी मम्मा के पास है, और कोई बातें बताओ जरा अपने दोस्तों की, क्या चुप करके चली गई, उसको बताया ही नहीं हमने। अच्छा ठीक है जी, आपकी मम्मा जो लेने आ गई थी ना, है ना भाई, मैं उससे भी भाग के चली गई। अच्छा भाग के जा रही थी स्पीड में फिर भी। अच्छा चलो अब शावर लेना आज आपने, पता है ना क्यों नहीं, क्यों नहीं जी आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, इधर आए
तो यूट्यूब फैमिली, अब जो है ना मैं बाइक को मैकेनिक के बाहर लेके जा रही हूँ। इसके यहाँ से ना पता नहीं क्या है, इधर से आवाज़ें आ रही हैं खट 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 खट। फिर मैं इसको चलाती हूँ तो ये आवाज़ देती है खट 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 खट। तो फिर ना मुझे पहले लग रहा था यहाँ से आवाज़ आ रही है, ये चीज़ टकराती है ये, लेकिन अब पता चला किसी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी ये चेन की आवाज़ है। तो इससे पहले के काम ख़राब हो, मसला ज़्यादा बढ़े, तो लेके चलते हैं। और ये देखें, कल हमने अपनी शहजादी को नहलाया, साफ़ सुथरी चम चम कर रही है, चम चम चम। नहीं तो इतनी गंदी हुई भी थी, लग रहा था जैसे कभी किसी ने इसको बेचारी को कपड़ा भी नहीं मारा था वैसे। तो फिर अब चलें इसको लेके चलते हैं मैकेनिक के पास। तो यूट्यूब फैमिली, थोड़ा सा ही काम था बाइक का, फटाफट ही मैं फारिग होकर वापस आ गई थी। तो यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर जो है अब अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई। आज बना रहे हैं आलू चने और इसके साथ ये पापड़ी रेडी हो रही है। और अभी मैं लेके आई हूँ रोल समोसे, मार्केट गई थी, यकीन जाने बहुत ही मज़े के। उस दिन मैं ट्राई के लिए एक लेके आई थी, अब मैं ज़्यादा लेके आई हूँ। तो और नगेट्स लेके आई हूँ मैं साथ में बच्चों के लिए, तो वो मुझे मिला हाफ़ के जी 300 का और 1 kg 600 का। तो बहुत ही मतलब प्राइस रिजनेबल लगी मुझे, तो वो मैं चीज़ें अभी लेके आई हूँ। तो बस वहाँ जाके वीडियो बना ही नहीं सकी क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश था। तो फटाफट करके मैं घर बस पहुँची हूँ, आके नमाज़ पढ़ी असर की और बस चूल्हे के आगे आगे, क्योंकि गैस चली जाती है। रोज़ ही मेरे साथ ये होता है कि मेरा काम अभी फिनिश नहीं होता और गैस चली जाती है। तो अभी गैस जब तक आ रही है तो ये काम आई है। ये देखें ज़रा मेरे क्या हरकतें कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा, फिर ऐसे तो होगा, ये तो होगा जब एक हाथ में कैमरा होगा और एक हाथ में फ़ोन हो, वो एक हाथ से काम होगा फिर यही होगा। चलें अभी ये इसको यहाँ से उठा के ऊपर रख देते हैं, तो इससे अच्छी तरह ऑयल में चढ़ जाएगी। हमारी पापड़ी तैयार है आलू चनों के लिए और आलू वही है, देखें ज़रा मेरे काम। तो बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से और जवाब निकल गया बाहर, और ये कल के पकौड़े थे साथ में, ये भी गर्म करेंगे। और ये देखें जी हमारे आलू चने रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, आसमा इनको मिक्स कर रही है। तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो ये देखें जी, ये जो है ना मैं रोल लेके आई हूँ, 12 रोल हैं 170 में, और माशाल्लाह बड़े अच्छे क्वालिटी के चिकन रोल हैं। तो आज हमने वैसे उस दिन लेके आई थी लेकिन मैं वो पैकेट संभालना भूल गई थी, तो अब आज फिर मैं लेके आई। तो इसको एक एक फ्राई करते हैं, एक एक दो दो, तो देखते हैं क्या फ्लेवर है इसका, दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो यूट्यूब फैमिली, जैसे कि फिर से गैस जा चुकी है और सिलेंडर पे हम आ चुके हैं, स्विच ऑन हो चुके हैं सिलेंडर पे, और लास्ट जो है ना मेरी ये समोसे फ्राई हो रहे हैं, पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, इतने ये जो रोल हैं ये फ्राई हो चुके हैं, और ये देखें सारा काम हो चुका है और बस ये थोड़े से रोल रह गए हैं, तो ये भी फ्राई कर लेते हैं। बस रोज़े का टाइम करीब है और ये देखें रोज़ के हमारे तो यही रूटीन बन गया है, सिलेंडर 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 भी दो और इतने इतने बिल भी दो, तो तौबा अस्तगफार, हद ही हो गई अब तो ना। A few moments later. तो यूट्यूब फैमिली, हमारा दस्तरखान जो है बिछ चुका है, सारा कुछ दस्तरखान पे आ चुका है, रोल समोसे आलू चने, और ये देखें ये जो मैंने अब दोबारा से बनाई है केचप चिली गार्लिक सॉस, बहुत ही माशाल्लाह लजीज किस्म की बनी है। पहला तो बोतल बच्चों ने दो दिन नहीं लगाए थे, अब फिर ये मैंने एक भर के बोतल बना ली है। तो चलें इस दफ़ा घर की ही केचप बाजार से नहीं खरीदी हमने, तो चलें रोजे का टाइम अभी थोड़ा सा टाइम है, जब तक दुआएं शुआएँ मांगते हैं, आप भी दुआएँ मांगें।